नमस्कार, मैं राहुल राजपूत, T20 न्यूज़ आपके साथ जुड़ा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि फुमारा चौक पर मीडिया के कर्मी भी कोविड टेस्ट करवा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से मीडिया के कर्मी भी कोविड टेस्ट करवा रहे हैं, वन बाय वन सभी मीडिया कर्मी जो कि हैं कोविड का टेस्ट करवा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो सर? बढ़िया सर, आप कैसे हो? बढ़िया है। ऐसा है, ये कोविड जो टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, हर रोज़ मीडिया कर्मी हैं बाहर घूमते हैं, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए कि भी हमारा जो टेस्ट होने से कभी हम सिम्टम्स ना आए और हमारे को दिक्कत हो जाए, कोविड पॉजिटिव हो जाए, तो इसलिए समय समय पे जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने जो है अपनी एक सामाजिक जिम्मेवारी को निभाते हुए आज हमने यहाँ पर मौका मिल गया, यहाँ पर काफ़ी कर्मचारी जो लगे हुए हैं, टेस्ट करवा लिया। अच्छा है, पता चल जाएगा अगर कोई दिक्कत है तो, समय रहते अगर हमें पता चल जाता है कि हमें ये दिक्कत है तो ठीक रहता है, इसलिए हमने ये टेस्ट करवाया। और लोगों को भी जहाँ भी टेस्टिंग होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर के जो है टेस्टिंग करवाना चाहिए, ये कहना चाहिए। यहाँ पर अभी क्या किया गया सर? यहाँ पे अभी कुछ देर पहले जो है नगर निगम हिसार के द्वारा सैनिटाइज किया गया इस एरिया को, ताकि यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाला ये आईजी चौक है, इसमें जो है नगर निगम हिसार ने जो है इस यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, टेस्टिंग भी रोज़ाना होती है, इसलिए इस एरिया को सैनिटाइज किया गया नगर निगम हिसार के द्वारा। तो प्रशासन की तरफ से पहला अच्छा कदम उठाया गया आपने? हाँ, ये प्रशासन की तरफ से अच्छी पहल है। बताया ये भी जा रहा है कि भीड़ भाड़े वाले इलाके हैं जहाँ नगर निगम है हिसार है, आयुक्त की तरफ से ये जो है नगर निगम हिसार की तरफ से ये सैनिटाइज किया जाएगा इलाके को। और बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी जैसे आप रोज़ मीडिया में देखते हैं लगी हुई हैं, जैसे रामनिवास राडा भी काफ़ी इस आर के एरिए को सैनिटाइज करने में लगे हुए हैं, यहाँ नगर निगम ने किया है। और गांव-गांव में अगर देखें तो काफ़ी लोग जो युवा है गांव के, वो सैनिटाइज गांव स्तर पे करने के लिए लगे हुए हैं, ताकि जो कोरोना महामारी है इससे, वैश्विक महामारी है, इससे बचा जा सके। मीडिया के बाकी कर्मियों को आप क्या कहना? मीडिया के जो कर्मी हैं हमारे साथी हैं जो हर रोज़ शहर में निकलते हैं, हर जो लॉकडाउन है उनके लिए नहीं लगा हुआ क्योंकि वो शहर में रहते हैं, कवरेज करते हैं, हॉस्पिटल की कवरेज देते हैं, कोरोना सेंटर की कवरेज देते हैं, तो उनको भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाने चाहिए ताकि उनको भी सेफ रखा जा सके। हिसार की जनता के लिए ये संदेश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में सेफ हैं, घरों में रहें, और जो खान पान का बढ़िया ध्यान रखें, इम्यूनिटी पावर अगर उनकी अच्छी है तो वो सेहतमंद रहेंगे, कोरोना से बचे रहेंगे, जब ज़्यादा आवश्यक हो तभी शहर में निकले, वरना शहर में या घर से बाहर ना निकले। COVID-19 के जो नियम हैं उनकी पूर्णतः पालना करें ताकि वो जो कोविड है इसको हराने में हम जो है लगे रहें। धन्यवाद सर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्थानीय निवासियों के भी कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी आकर कोविड टेस्ट करवा सकता है, निःशुल्क है, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। आप देख सकते हैं जिस प्रकार, और यहाँ पर नगर निगम की टीम के द्वारा सैनिटाइजर भी किया गया, आप देख सकते हैं सारा, नीचे आपको दिखाना चाहेंगे हम कि सैनिटाइजर भी किया हुआ है सारा एरिया जितना है यहाँ पर, देखना चाहोगे आप। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है जो कि आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं T20 न्यूज़ के माध्यम से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं, कोविड की एक टीम बैठी है यहाँ पर, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, जिस प्रकार हर एक वाहनों की चेकिंग की जा रही है आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी वाहनों से पूछताछ की जा रही है, आप देख सकते हैं कि एक बाइक वाले से पूछताछ की जा रही है। T20 न्यूज़ के माध्यम से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप, शेयर किया जाएगी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा, आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो मीडिया के कर्मचारी हैं वो भी कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं यहाँ पर, आपने देखा जैसे कि हमारे कर्मचारी ने भी कोविड टेस्ट करवाया है, तो मैं इस सारी जनता से एक निवेदन करना चाहूँगा कि सभी एक बार कोविड टेस्ट करवाएं, जिससे पता चले कि बीमारी कहाँ तक फैली है। आप देख रहे थे हमारा चौक की लाइव तस्वीर है जहाँ पर लोग कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं, मीडिया कर्मी टेस्ट करवा रहे हैं, मीडिया के कर्मचारियों को सैनिटाइजर जो यहाँ पर सैनिटाइज किया गया नगर निगम की टीम के बाद, उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगा। अगली अपडेट के लिए जल्दी जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।